कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो गाइस, बात करने वाले इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ फायरमैन एसएससी जीडी आप लोगों का 2022 वैकेंसी आप लोगों का आई हुई है। एसएससी जीडी आप लोग जो है एसएससी जीडी जो कि आप लोगों का वैकेंसी टोटल आप लोग का 24,369 पोस्ट आप लोग वैकेंसी आई हुई है। तो बहुत बड़ा वैकेंसी आप लोग का आई हुई है। तो अभी तक आप लोगों मतलब 27 तारीख से स्टार्ट है आप लोगों का ऑनलाइन करना, तो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा। और आप लोग का लास्ट डेट आप लोगों का 30 नवंबर रहने वाला, ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि लास्ट में आप लोग अप्लाई करेंगे ना साइट आप लोगों का नहीं चलेगी, साइट बहुत सर्वे आप लोगों का डाउन रहेगा, साइट बहुत व्यस्त रहेगी, इसलिए आप लोग पहले ही मतलब फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं आप लोग का बीएसएफ और सीआईएसएफ फायरमैन जो कि आप लोग का फिजिकल हो चुका है, रिटर्न आप लोग दोनों का बाकी है। तो मैं इससे रिटर्न आप लोग का जीके की सेक्शन आप लोग का डेली कराता हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो जो भी करना अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया आप लोग को देख लेते हैं। तो प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट आप लोग को देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। आप लोग जाके बीएसएफ ट्रेडमैन सीआईएसएफ फायरमैन की एसएससी जीडी के अपडेटेड आप लोगों को पीडीएफ मतलब प्ले लिस्ट बना गया, आप लोग A to Z वहाँ से देख सकते हैं। सिंपल बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग पूछा गया रोलेट एक्सन से, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले बताते हैं, जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि वीडियो है सबसे पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है रॉलेट एक्ट किस सन में भारत पर लागू किया गया, तो आप लोग बता सकते हो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट मतलब भारत में लागू किया गया था। ये इससे आप लोग इससे रिलेटेड आप लोग को जान लीजिए, रॉलेट एक्ट जब लागू होता है तो उस समय कार्यकाल मतलब किसका था, तो मतलब अंग्रेज के कार्यकाल था, आई होप सब लोग जानते होंगे। 1919 में भारत अब तो आज़ाद हुआ था 1947 में, और उससे पहले अंग्रेजों का मतलब शासनकाल था। तो किसका कार्यकाल में रॉलेट एक्ट मतलब लागू होता, तो बता सकते हो लॉर्ड, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन आप वहाँ पर पूछ सकते, लॉर्ड चेम्स फोर्ड ये आप याद रखिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, रोलेक्ट एक्ट क्या है, मतलब मोटा मोटा तौर जान, रोलेक्ट वो है जो किसी भी मतलब व्यक्ति को बंदी बनाकर मतलब कोई भी केस नहीं हो तो उनको कैद कर लिया जाए, तो कोई भी मतलब आप लोग कोई भी गुना बिना किए ना मतलब केस कोई भी आप लोग गुना बिना तभी तो उन लोग ले लेंगे, मतलब कैद बना लेंगे, आप लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, तो इससे रोलेक्ट एक्ट था, ठीक है। इससे विरोध में आप सब लोग विरोध कर रहे थे इसके, भारत के लोग सभी विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए रोलेक्ट एक्ट बहुत खतरनाक रोलेक्ट एक्ट था, किसी भी को बंदी बना ले। तो दो नंबर क्वेश्चन आप लोग पूछा आईने मकबरा किस लेखक है, तो आईने मकबरा के लेखक कौन, आप लोग का अबुल फजल है, ठीक है। तो अबुल फजल ये आप लोगों को याद रखिएगा। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि जो आप लोग कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था, आप लोगों किसने किया, तो बता सकते हो नरसिंह देव ने फर्स्ट ने किया था, ठीक है। तो कोणार्क मंदिर को तो इसको पूछ सकता है, कोणार्क मंदिर जो है आप लोग का कहाँ पर है, तो बता सकते हो उड़ीसा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बन सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, तो उड़ीसा में आप लोग को स्थित है। इससे पहले 4 नंबर पूछा गया आप लोग कंप्यूटर की गति किस मतलब गति निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है कंप्यूटर की जो गति होती है, रैम पर निर्भर करती है। तो आप लोग का एग्जाम पूछ सकता है रैम की फुल फॉर्म क्या था, एग्जाम से रिलेटेड आप लोग का पूछा जाता है कि रैम की फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैंडम एक्सेस क्या होती है, रैंडम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, रैंडम देखिए पूरा मिटका के लिख दे रहे बढ़िया से, आप लोग को समझ में आ जाए, RANDOM रैंडम एक्सेस, ACCESS एक्सेस और आप लोग का मेमोरी, ठीक है। सो MEMORY मेमोरी याद रखिएगा, ठीक है। सो गाइस इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर की, बाल भट्ट जो किस राज्य के दरबारी विद्वान थे, तो बता सकते हो हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि लाल मिट्टी का लाल होना किसके कारण पाया जाता है, आप लोग बता सकते हो किस कारण लाल होता है लाल मिट्टी का, तो लोहा के कारण आपका लाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आप लोग बता रहे हो वेटिकन सिटी होती है, ठीक है। तो वेटिकन सिटी आप लोग का सबसे आसान करेक्ट है। तो इसी पर पूछते हैं विश्व का सबसे छोटा पूछा गया सबसे बड़ा देश कौन सा, आप लोग बता सकते हो क्षेत्रफल जिस आप लोग का बता सकते हो रूस, ठीक है। तो रूस सबसे बड़ा देश है। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में हमारे मतलब भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पाया, आप लोग का 7वां स्थान है, ठीक है। तो इसे जनसंख्या से पूछे तो आप लोग बता सकते हो दूसरा, फर्स्ट आप लोग जनसंख्या चीन है, ठीक है। तो चीन है, तो ये आप लोग बता सकते हो, इसे आई होप क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त किस देश में, आप लोग बता सकते हो वेंजू, तो आप लोग किसका है वेंजुएला, तो आप लोग याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त किस मतलब देश में है, तो वेंजुएला में, ठीक है। तो वेंजुएला याद रखिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार पूछा गया नौ नंबर आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन कि सन 2023 में विश्व कप क्रिकेट का जो क्रिकेट विश्व कप होने वाले हैं आयोजित कौन करेगा, तो आप लोग बता सकते हो भारत ही करेगा। जो आप लोग विश्व कप होने वाले हैं ना, T20 तो होना ही, T20 नहीं आप लोग का विश्व कप, मतलब आप लोग का एक विश्व कप होती है जो 50 ओवर की होती है, वो आप लोग का 50 वाली विश्व कप जो होती है जो कहाँ पर होने वाली है, मेजबानी कौन देश करेगा, भारत ही करेगा। ठीक है दोस्तों, भारत ही करेगा, हमारे भारत ही करेगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसी प्रकार 10 नंबर कि 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आप लोग बता सकते हो पेरिस में आयोजित किया जाएगा 2024 में ओलंपिक जो होने वाली है ना, ये आप लोग कहाँ होगी, तो पेरिस में होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का 11 नंबर गोल गुंबज होती है कहाँ पर स्थित है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, आप लोग बता सकते हो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का विजापुर एक स्थान है, विजापुर के मतलब विजापुर में आप लोग को स्थित है, कर्नाटक विजापुर में। ठीक है, विजापुर कर्नाटक में स्थित है, आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये गोल गुंबज क्या है आप लोगों को बता दें दोस्तों, गोल गुंबज एक मतलब सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, तो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, यह बोलो याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 नंबर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया, तो बता सकते हो 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया था, मतलब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे और दो साल बाद ये मतलब ये असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि जो चोरी जो गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था ना, इसके बाद 2022 में ये मतलब चोरा जो आप लोग का है ना असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। ठीक है, समाप्त हो गया था इसी कारण। देखिए इसी बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर, भारत में किसी महिला या पुरुष को खेल में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आप लोग पहला दिया भीम, दूसरा दिया आप लोग का बी दिया राजीव गांधी खेल रत्न, सी दिया द्रोणाचार्य और डी दिया अर्जुन, तो आप लोग ए बी सी डी में कौन सा आप लोग करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है 13 नंबर क्वेश्चन को, मैं आप लोग सभी का वेट करूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर से उत्तर दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब भारत में किसी महिला या पुरुष को खेल में विशेष योग्यता प्राप्त करने के पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आप लोगों को चारों दिया गया ए बी सी आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, सो बात करते थे 14 नंबर क्वेश्चन की सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, आप लोगों सबसे बड़ा चिड़िया जू घर सबसे बड़ा मतलब जू आप लोग का सबसे बड़ा कहाँ है इंडिया में, तो बता सकते हो दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में आप लोग याद रखिएगा, ना कि आप लोग को चेन्नई ना पुणे चेन्नई ना जयपुर, तो आप लोग का दिल्ली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया 15 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र देश बना, तो बता सकते हो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र देश हुआ था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप लोग आइए बांग्लादेश मतलब इससे 26 मार्च 1971 ईस्वी बता दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले ये पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान में आता था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्या पूर्वी पाकिस्तान में आता था। ठीक है, तो पाकिस्तानी का भाग था पहले, तो इसलिए ये अलग हुआ है, तो अलग होकर ये बांग्लादेश बना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, तो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया है। ठीक है दोस्तों, अल्जीरिया याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है टिहरी जो मतलब टिहरी बांध है किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध आप लोग उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो बता सकते हो सौरमंडल में आप लोग को होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैप, तो हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में ट्राइफो स्पेयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर श्री हरिकोटा बांध किस राज्य में स्थित है, तो बता सकते हो आंध्र प्रदेश में स्थित है श्री हरिकोटा बांध आप लोग का, जो कि आप लोग बहुत बार बार पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया चैंपियन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो बता सकते हो हॉकी से संबंधित है, चैंपियन ट्रॉफी जो खेल आप लोग का है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आई होप सब पूछ सकता है आप लोग। ठीक है, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस नंबर धनराज पिल्ले जो धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, बता सकते हो हॉकी से संबंधित है धनराज पिल्ले, ये आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भारत का 5वें मतलब राजवंशीय योजना का कार्यकाल क्या था, आप लोग बता सकते हो भारत का जो कार्यकाल था ना जो आप कितने वर्ष मतलब क्या था कब तक था, तो ये राजवंशीय पंचवर्षीय योजना का 1974 से लेकर 1979 ईस्वी था। ठीक है दोस्तों, 1974 से लेकर 1979 ईस्वी तक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट, आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि 23 नंबर कि चिल्का झील किस राज्य में है, आप लोग बता दो तो उड़ीसा में आप लोग राज्य में है चिल्का झील,
चिल्का झील आप लोगों को उड़ीसा राज्य में है, चिल्का झील बहुत फेमस है क्योंकि जो नेवी की आप लोग का ट्रेनिंग होती है ना चिल्का झील में होती है, ठीक है, वहाँ चिल्का में अक्सर चिल्का में होते, उड़ीसा में होती है नेवी वाले के, नौसेना वाला, ठीक है दोस्तों, नौसेना वाला। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोग, नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए आगे ना नौसेना के आप लोग नेवी मतलब एडमिरल को मतलब फर्स्ट एडमिरल कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे, आप बता सकते हो आर डी कटारी मतलब कटरी और मतलब रामदास कटरी थे, ठीक है दोस्तों ये आप लोग थे। तो इस समय आप लोगों को पूछे कि कौन है इस समय, तो आप लोग बता सकते हो एडमिरल करमबीर सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप लोगों का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एनसीसी का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो एनसीसी का पहले फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोगों को जान लीजिए, ठीक है। एनसीसी का आप लोगों का फुल फॉर्म क्या होती है ये पहले जान लीजिए। सो एनसीसी का आप लोगों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, क्यों, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, प्लस आप लोगों को एनसीसी का फुल फॉर्म लोगों को बताना है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था, 1948 में 1948 में हुआ था आप लोगों का ये इसका स्थापना मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। तो बता दें दोस्तों इसका एनसीसी का फुल फॉर्म आप लोगों का बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो जरूर बताइएगा। दो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे हैं, दो पूछे होगा आप लोगों का आंसर जरूर देना है आप लोगों को, जरूर से दीजिएगा दो क्वेश्चन का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, जो भी करना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि वीडियो सबसे पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।